Sagar Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। जब यही वोट कांग्रेस के हाथ पर जाता था, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर जाता था, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता था। आज देखो, मंगलवार का दिन है और संकट मोचन मंदिर पर इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में आतंकी हमला करवाया था। तो बहनों भाइयों, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ था, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। ये लोग मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, और बहनों भाइयों, उसके बाद जब अखिलेश यादव आए, इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था, यानी हिंदुओं पे झूठे मुकदमे, राम भक्तों पर झूठे मुकदमे और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले दिए। कभी भी शर्म नहीं आती तीन लोगों को, कभी भी शर्म नहीं आती तीन लोगों को, और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, जो आतंकवाद के समर्थक हो, राम के कोई हो, वे जो माफिया और अपराधियों पर साजिश हो, आपने देखा होगा, परम राम भक्त, प्रदेश के विकास के लिए और इस प्रयास करने वाले कल्याण सिंह जी की मृत्यु ही समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना की नहीं व्यक्त किए। लेकिन बहनों भाइयों, अभी एक माफिया की मौत हुई थी, उस माफिया के मरने पर फतिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग उसके घर में गए थे। ये माफियाओं के समर्थक हैं, ये राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। इन लोगों से बदला लेने का समय है ये महापर्व चुनाव। अपना एक एक वोट ऐसा ठोकिए, ऐसा लगाइए कि ये आतंकवाद समर्थक हमेशा के लिए भारत की चुनाव की प्रक्रिया से गायब हो जाए, वह आपके चुनाव से लड़ने का हिम्मत ही न करे। सहमत है? खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।